बहुत खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। फिलहाल इस ब्लास्ट में दो जवान शहीद हो गए हैं, ब्लास्ट में दो जवान घायल हुए हैं। फिलहाल ये अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। आपको पता होगा कि नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीर कार्रवाई कर रही है और अभी हाल ही में सरकार ने नक्सलवाद पर कार्रवाई करते हुए, नक्सलियों पर कार्रवाई करते हुए 31 नक्सलियों को मार दिया था, जिसके बाद चार और नक्सलियों की बात नक्सलियों के द्वारा की गई थी कि हम उनके शव अपने साथ ले आए और इस घटना में 31 नहीं लेकिन 35 नक्सली मारे गए हैं और बहुत जल्द हम इसका जवाब भी देंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, दो नक्सली जवान शहीद हो गए। आकाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं नारायणपुर, जो कि गनघोर नक्सलियों का इलाका है। आकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है और ये घटना हुई कैसे? जी, पूरा जो मामला है वो नारायणपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी होगी ग्राम मोहंदी की, जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। और ये घटना नारायणपुर से ग्राम मोहंदी जो मुख्य मार्ग है और जो मोहंदी से जाने वाला मार्ग है कोडलियार गांव है, वहां पे जाने के लिए जब जवान निकले हुए थे वहां पर नक्सलियों की एक नंबर प्लाटून, जो कहा जा सकता है सबसे खतरनाक प्लाटून है जिसमें बड़े बड़े नक्सली होते हैं काडर, उनकी सूचना मिली हुई थी पुलिस के जवानों को, जिनके तलाश में जवान निकले हुए थे। इसमें आईटीबीपी, डीआरजी, बस्तर फाइटर के जवान शामिल रहे थे। ये सभी जवान क्षेत्र की ओर जब जा रहे थे, इसी बीच नक्सलियों ने घात लगाकर इन पर वार किया है और आईडी ब्लास्ट करके जो पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे घटना में दो जवान शहीद हो गए हैं और वहीं दो जवान जो है घायल बता रहे हैं। आकाश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों के खिलाफ काम कर रही है, नक्सलियों को लगातार ऑपरेशन चला रही है और अभी हाल ही में हमने देखा कि करीब 31 जवान मारे गए, हालांकि नक्सलियों ने कहा कि 35 मारे गए हैं, तो क्या नक्सलियों ने उस वक्त भी कहा था कि सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा? क्या नक्सली आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? क्या जानकारी? जी, ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा मामला चालू होता है अमित शाह के बयान से। गृह मंत्री बयान देते हैं कि मार्च 2026 तक के हम नक्सलवाद का सफाया कर देंगे, पाताल से भी खोजकर नक्सलियों को समाप्त कर देंगे, जिसके बाद से लगातार पुलिस सर्चिंग अभियान करती है क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर सर्चिंग अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें हाल ही में नारायणपुर और दंतेवाड़ा जो पुलिस है उसके संयुक्त अभियान में नक्सली मारे जाते हैं। पहले तो 31 नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि होती है, जिसके बाद नक्सलियों द्वारा 35 नक्सलियों की बात आती है, फिर बाद में एक बार फिर पुलिस द्वारा प्रेस नोट जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि 38 नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस पूरे अभियान में जो घटनाक्रम था थुलथुली का, उसमें 38 नक्सली ढेर हुए थे, जिसके बाद नक्सलियों ने कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो जिसके तहत आज मोहंदी में जो आईडी ब्लास्ट की गई है, आईडी इतना भयंकर बताया जा रहा है कि उसमें ब्लास्ट होते ही दो जवान शहीद हो गए थे, जिसमें जवान के दोनों ही जवान के पैर के नीचे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था तो बताया जा रहा है। तो इसमें और भी जवानों के नुकसान होने की आशंका थी, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्कता के चलते केवल दो जवान शहीद हुए हैं और दो जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली इन क्षेत्रों में अब फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अपना उनका जो वजूद है, उनका जो अस्तित्व है, वो उनका खत्म होते दिख रहा है, इसलिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और उस उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आकाश, विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल बड़ी बात में इतना ही।